हेलो एवरीवन, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महिंद्रा जुबो 245 डीआई का आगे में बम्फर क्यों लगा रहता है और बम्फर क्या काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैंने भी शमशेर सागर, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस एस ट्रैक्टर इंडिया। तो चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। मेरे पास महिंद्रा जुबो 245 डीआई ट्रैक्टर, इसमें ये बम्फर बहुत सारा भाई का कमेंट था कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि बहुत सारा कमेंट होगा कि इसमें बम्फर जो है क्या काम करता है। तो ये बम्फर देखिए, इसको जो है सेफ्टी का काम करता है। यहाँ पे जब कहीं पे रोड पे चलाते समय जो है कोई आकर के जो है आपका गाड़ी का टक्कर मार रहा है तो सबसे पहले इसका जो है रोकेगा, क्योंकि देख सकते हो आप लोग कि कई बार जो है हमसे भी ये गलती हो गया था। तो देखो यहाँ पे थोड़ा पिचका लग रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा बैंड हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो वही सेफ्टी का काम करता है। ये देखो लग रहा है कितना लगा है दीवाल में, कहीं पे घुमाते समय जो है ये जो है दीवाल में लग जाता है, तो दीवाल टूट जाता है पर जो है गाड़ी को कुछ नहीं होता है। ये सेफ्टी का काम करता है, गाड़ी का बचाता है, ये हेडलाइट को ये पूरा बचाता है, आगे से पोर्शन का पूरा बचा देता है, कोई दिक्कत नहीं आने देता है। तो ये मिलेगा कहाँ पर, तो आपको एजेंसी पर मिल जाएगा। ये बम्फर लेना चाहते हो तो आप कंपनी में जाइए, महिंद्रा जुबो 245 डीआई कंपनी में, महिंद्रा कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको वो दे देगा आराम से। तो इसका काम जो है दरअसल यही होता है, सेफ्टी का काम करता है पूरा, ये बचाता है, इसको कहीं टक्कर नहीं लगने देता है। और एक चीज़ करता है कि ये जो है यहाँ पे जब वेट का भी काम करता है, ये जो है कम से कम जो है 25-30 किलो होगा ये, इसका वेट, इसका वजन जो है 25-30 किलो वजन है इसका, क्योंकि आगे का पोर्शन का जो है ना वेट थोड़ा बढ़ा देता है, आगे से जो है उठने नहीं देता है इसको ऊपर की ओर। तो ये भी काम करता है, तो और देखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि इस पर महिंद्रा का वो बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो महिंद्रा लिखा हुआ है वहाँ ऊपर उस साइड में ऊपर से, तो वही सब काम करता है। ये जो है सामने से देखो 3 साल हो गया गाड़ी का, अभी तक कुछ नहीं हुआ आगे पोर्शन पे। और एक चीज़ करते हैं इसके अंदर, तो हम दिखाते हैं आप लोग को और इसमें और क्या काम करता है ये। तो आप ये एरिया लगा करके बहुत सारे काम कर भी सकते हो, बहुत सारे काम भी कर सकते हो, तो दिखाता हूँ आप लोग को। दरअसल सबसे ज़्यादा काम जो है हम इससे इसलिए लेते हैं ये बोनट से, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं लाठी लिया हूँ, इसमें रड लेते हैं, थोड़ा पाइप टाइप कराता है। तो यहाँ पे हम दो ज्वाइंट किए हैं दोनों साइड, ये देख सकते हो आप लोग कि ये दोनों साइड जो है हम ज्वाइंट किए हैं। तो कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धान दौनी करते हैं तो बहुत ज़्यादा, और गेहूँ दौनी करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बोरा, तो इस पर जो है हम ऐसे करके डाल देते हैं इसके ऊपर दोनों डाल के, और इस पर बोरे जो है दो बोरे जो है इसके ऊपर रख देते हैं, आराम से चले आते हैं, क्योंकि थ्रेसर पर जगह नहीं रहता है। तो आपको पता है कि महिंद्रा जुबो 245 डीआई पे बोनट पे नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए जो है हम बोरी को जो है यहीं पे डाल देते हैं। 50-1 क्विंटल जो है इस पे आ जाता है वेट, घर पे लेकर के आ जाते हैं। बस इतना ही था इसका प्रोसेस। जो ये लेना चाहते हो यदि आप, तो जो है कंपनी में कॉल कीजिए, कंपनी से लीजिए, क्योंकि इसको लगाना बहुत सेफ्टी का काम होता है, क्योंकि देख सकते हो आप 3 साल हो गया है गाड़ी का, ये गाड़ी का जो है मेरे पास 3 साल हो गया है, अभी तक जो है आगे का कोई भी खरोच नहीं आया, देख सकते हो कुछ भी खरोच नहीं है। ये तो थोड़ा गर्द मिट्टी लगा हुआ है, ये देखो कोई खरोच नहीं है, देखो ये 3 साल हो गया है। तो ये जो है ज़्यादातर से सेफ्टी का काम करता है, सेफ्टी का काम ये करता है कि जो आगे से जो है टक्कर नहीं लगने देता है कभी भी। एक बार तो पूरा दीवार तोड़ दिए थे इससे, फिर भी जो है ये इसका जो है हेडलाइट का कुछ नहीं हुआ, फिर ये आगे का ये लुक जो है वैसे ही वैसा ही है। तो आप भी आपके ट्रैक्टर में नहीं है तो ये लगवाइए लीजिए, जो है आपको सही रहेगा, नहीं लगाओगे तो भी फिर बाद में दिक्कत आएगा, क्योंकि ये वेट का भी काम करता है, बहुत अच्छा रहता है ये। इस वीडियो में समझ गए होंगे कि बम्फर क्या काम करता है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।